2 साल से नहीं मिला माध्यान्ह भोजन का पैसा, समूह की महिलाओं ने घेरा सीओ की गाड़ी। खबर इस समय शिवपुरी जिला मुख्यालय से आ रही है, जहां सोमवार की शाम चंदावनी ग्राम से आई महिलाओं ने सीओ की गाड़ी घेर ली। आपको बता दें कि महिलाओं का आरोप था कि उन्हें बीते 2 साल से माध्यान्ह भोजन का एक भी पैसा नहीं मिला है, ना ही पोर्टल पर उनके खाते दर्ज किए गए हैं। महिलाओं का कहना था कि जब तक उनकी समस्या का हल नहीं होता तब तक वो यहां से नहीं जाएंगी। समूह की अध्यक्ष कुसमा और अन्य महिलाओं ने बताया कि 2 साल पहले हमारे समूह को माध्यान्ह भोजन बांटने का कार्यादेश मिला था, उसके पालन में 2 साल तक माध्यान्ह भोजन बांटा गया। सालों बीत जाने के बाद भी जब भुगतान नहीं हुआ तो भुगतान की आस टूट गई और रसोईया रसोई में ताला लगाकर चला गया। इस स्थिति में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मजबूर होकर हम शिवपुरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में आए हैं और जब तक हमारा बचत खाता पोर्टल पर दर्ज नहीं हो जाता, हमारा खाता पैसे में नहीं आ जाता, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। अपने हक और अपने भुगतान के लिए जमीन पर बैठी महिलाएं और बच्चे सर्दी से कपकपा रहे थे, लेकिन उनका पक्का मन ये था कि आज भले ही कुछ हो जाए, हटेंगे तभी जब पैसा मिल जाएगा। हम जो चाह रहे हैं हमारे खाते जुड़ जाए और हमें मास्टर से भी फोन लगा दें, हमें चाबी दे दें। काई चाबी? रसोईया खाना बनाने के लिए, हम परेशान हो रहे और हमें ही खाना बनाए। तो कब से नहीं बना अंदर ही तो पड़ा। अब खाना हमने बाहर बना के दो, एक ब्रांड है उसमें खाना बना के दिया। अच्छा, रसोई की ताला नहीं खुल रहा है? नहीं खुल रहा है। खाना तो बना रहे हो आप? खाना हम बना रहे हैं, ब्रांडा है, हम उसमें खाना बनाते हैं। प्यासन मर रही है? अच्छा, कितने बजे से बैठी हो आई आप? 12 बजे से बैठी। 12 बजे से तो कोई अधिकारी आया था? आया था, सो हम गए थे भीतर ऑफिस में, मैं काम में नहीं थी। क्या नाम है आपका? सविता। कहाँ से आए? चनावनी से। क्या समस्या लेके आए थे? जो समस्या है, मैं खाना नहीं बना देती हूँ, मास्टर स्कूल में से भगा देते हैं, हमारे खाते नहीं जोड़ रहे, हमें 2 साल से पैसा नहीं मिले, हम काम बराबर कर रहे। हाँ, पिछूर तहसील। तो आप खाना नहीं बना रहे वहाँ पे? खाना हम बना रहे हैं। तो खाना कहाँ बना रहे हैं फिर? खाना हम नहीं, ब्रांडा है मतलब बाँ में बनाते हैं, रसोई की इनने चाबी नहीं दी। रसोई में नहीं बनाने? नहीं, खाना रसोई में नहीं बनाने देते हैं, चाबी मांगते हैं, सुबह लड़ता है हमसे। कौन लड़ता है? सुरेंद्र बड़ेरिया। ये कौन है वहाँ पे? मास्टर। मास्टर है? हाँ। आप समूह का? हाँ, हम समूह का खाना बनवाते हैं। तो आप यहाँ पे आज जिला पंचायत कितने बजे से बैठी थी? हम 12 बजे से बैठे हैं यहाँ। तो कोई आया था आपसे पूछने? हाँ। कौन आया था? अधिकारी आए थे? हाँ, सब अधिकारी आए थे, लेकिन उनने हमें कुछ नहीं सुनी। हाँ। क्या कह रहे थे फिर वो? दिन ने जो कही कि हम तुम्हारा काम करवा रहे, अब संजय हो गई, उनने हमारा कुछ काम नहीं करवाया, ना हमें खाते जुड़वाए ना कछु करवाए। हमारे खाते नहीं जुड़ेंगे तो हम घर भी नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अभी आप रात में भी नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, भी खातों नहीं जुड़ेंगे तो हम रात में भी नहीं जाएंगे। हाँ, हमारे छोटे छोटे हम बच्चा लाए बेटे, उनसे तो मास्टर फोन लगा दे, सुबह हम काम नहीं करते, मास्टर उनके लिए पैसा दे देते, हमारे पास पैसा होते तो हम भी नहीं पैसा दे देते, हम तो गरीब आदमी हैं, रसोईया हमें परेशान कर रहे हैं, भी खाना बनाए भी पैसा नहीं लें। अरे, चनावनी गांव की महिलाएं, कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं रसोई में, ये आपकी गाड़ी का धरना देकर बैठी हुई हैं, क्यों बैठी हुई? नहीं, ये लोग अभी आवेदन दिया है उन्होंने कि जो आदेश किया था एसडीओ ने उसका पालन नहीं हुआ, तो मेरी बात हो गई है एसडीएम से और मैंने उनको बोला है कि अपने आदेश का पालन कराइए। कोई शिक्षा के परेशान बताया? वो मैंने बोल दिया, पूरा जाँच करके प्रतिबंध भेजेंगे। वो अरे 12 बजे से बैठी है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होती है भाई, कोई प्रतिवेदन आएगा उसके बाद ही कार्रवाई होती है।